हे फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू योर चैनल ड्रीम शॉट। पिछले कुछ वीडियोस के कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो रहा था। पीपल वांटेड टू बाय अ यूज्ड कैमरा बट दे वर नॉट वेरी श्योर कि वो बाय करना सेफ है कि नहीं। कुछ लोग बोल रहे थे मैं ये कैमरा ले रहा हूँ, इज इट गुड टू बाय। कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं दोस्त से ले रहा हूँ, इज इट गुड टू बाय। फ्रेंकली, मुझे आप किस सिचुएशन में हो, वो कैमरा का क्या स्टेटस है, आपका दोस्त ने उसको कैसे रखा है, जितना दाम वो बोल रहा है वो उसका वर्थ है कि नहीं, ऑब्वियसली इसका मुझे कोई अंदाजा ही नहीं है, इसीलिए मैं एक स्पेसिफिक केस में जवाब नहीं दे सकता। तो मैंने क्या सोचा, मैं एक जेनरिक वीडियो बनाता हूँ। ये एक तरीके का चेकलिस्ट है। जब भी आपको एक सेकेंड हैंड कैमरा या यूज्ड कैमरा लेने का एक सिचुएशन आए, आई थिंक यू शुड कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कैमरा है वो DSLR हो या मिररलेस हो, वो बहुत महंगा होता है। महंगा बहुत रिलेटिव टर्म है, लेकिन अपने अपने हिसाब से लोग काफी पैसा इन्वेस्ट करके कैमरा लेते हैं और वो डेफिनेटली चाहेंगे कि वो अच्छा कैमरा हो, वो वर्थ द वैल्यू हो। खास करके जब हम सेकेंड हैंड कैमरा के बारे में बात करते हैं, एक रिस्क फैक्टर आ जाता है। हम इस रिस्क फैक्टर को 100% निकाल तो नहीं सकते, लेकिन हमारे साइड से ये कोशिश कर सकते हैं कि कुछ चीजों का हम लोग ध्यान रखें और एक खराब कैमरा मिलने के चांस बहुत कम हो जाए। सो विदाउट फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट। कुछ चीजें होते हैं जो हमें याद रखना है, वो टेक्निकल चीजें नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल है। आपको बेस्ट कैमरा मिलने का चांस एक नॉन प्रोफेशनल से है। ऑब्वियसली वो लोग कम यूज करते हैं। इनफैक्ट इंडिया में काफी सारे लोग, especially IT professionals, उनके पास पैसा रहता है इसलिए एक नया कैमरा खरीद लेते हैं। कुछ एक दो हफ्ता कैमरा यूज करने का एक एक्साइटमेंट होता है, उसके बाद जाके एक कबड़ में रह जाता है, कोई उसको यूज भी नहीं करता है। उनको लगता है कि मोबाइल में इतने अच्छे पिक्चर्स आ रहे हैं, why should I have a professional camera? इस तरीके से काफी सारे लोग बेच रहे हैं। So obviously, एक नॉन प्रोफेशनल से आपको कम यूज्ड कैमरा मिलने का चांस ज्यादा है। सेकेंड होता है प्रोफेशनल्स। ऑब्वियसली उनका यूसेज तो ज्यादा होता ही है, लेकिन अगर आपको पता है कि एक प्रोफेशनल अपने कैमरा खुद के पास ही रखा है और दूसरों को ज्यादा यूज करने नहीं दिया, अगर आप उस फोटोग्राफर को पर्सनली जानते हो, देन आई थिंक इट्स वर्थ द रिस्क। सबसे जो वर्स्ट केस होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे सिनेरियोस में ये होता होगा, लेकिन मोस्ट लाइकली जो रेंटल्स में जो कैमरा देते हैं उनका जो कैमरास है वो मैक्सिमम यूज रहता है ऑन अ डेली बेसिस, या हफ्ते में बहुत बार रेंटल्स के लिए बाहर जाके आता रहता है। यहाँ पे कैमरा एक इंसान के हाथ में नहीं रहता, मल्टीपल लोग उसको यूज किए हुए रहते हैं। सो इन केस यू आर बाइंग फ्रॉम समवन who has been giving it for rent, आपको एक सेकेंड थॉट देना चाहिए। ये लोग यूजुअली बाहर का बॉडी काफी सुंदर रखते हैं। हमारा यूजुअल टेंडेंसी है ये सोचने का, अगर बाहर बॉडी अच्छा है तो शायद कैमरा भी अच्छा होगा। नॉट नेसेसरी। ये थोड़ा सा लॉजिकल चीजें हैं, इसको आपको दिमाग में रखना चाहिए। अगर आप सिटी में रहते हो तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन अगर आप स्मॉल टाउन में रहते हो, थोड़ा सा गाँव में रहते हो, इन दैट केस आपका काम थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अगर मुझे एक सेकेंड हैंड कैमरा लेना है तो ऑब्वियसली एक डिस्कशन के बाद उसके पास जाके मैं कैमरा लूंगा नहीं, कैमरा का सीरियल नंबर नोट करूंगा। आई विल बी गोइंग टू द कैनन सर्विस सेंटर, वहां पे आप उनको सीरियल नंबर देंगे, कितनी बार उस कैमरा का सर्विस हुआ है ये आपको पता चल जाएगा। वैसे ये चीज उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अगर वो बंदा एक ही साल पहले कैमरा लिया हुआ है और अगर कोई भी सर्विस नहीं है, देन दैट्स अ प्रीटी गुड सिचुएशन। अगर आपको पता है कि वो बंदा प्रोफेशनल है और उस कैमरा को काफी साल तक यूज किया है और कैनन सर्विस सेंटर में एक भी बार सर्विस करने का रिकॉर्ड ही नहीं है, तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा कहीं कोई थर्ड पार्टी के साथ उसने सर्विस तो नहीं करवाया, बिकॉज दैट्स नॉट ए गुड थिंग। तो ये उतना मैथमेटिकल नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप सर्विस सेंटर जाओगे, सेलर को गारंटी नहीं होता है कि आप उनसे कैमरा ले रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सर्विस सेंटर का जो चार्जेस है, सेलर का ट्रैवल चार्जेस, और हो सकता है कि इवन ए लंच प्रोबेबली यू हैव टू टेक केयर। एक कैमरा का शटर काउंट बहुत मायने रखता है। वो इसलिए मायने नहीं रखता क्योंकि वो शटर खराब हो जाएगा। 80-19,000 बार शटर यूज होने के बावजूद काफी दिनों तक चल सकता है वो शटर, लेकिन अगर शटर काउंट ज्यादा है इसका मतलब वो फोटोग्राफर कैमरा को बहुत यूज किया हुआ है। एक लाइव काउंट भी होता है जिससे आपको ये पता चलता है कि मूवी मोड में कितनी बार यूज किया हुआ था। ये दोनों का कॉम्बिनेशन में आपको इन्फॉर्मेशन लेना है और आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि ये कैमरा कितना यूज किया हुआ है। अगर आप सिटी में नहीं रहते हो, अगर आप विलेज में या स्मॉल टाउन में रहते हो जहाँ पे सर्विस सेंटर्स नहीं होता है, आपका काम थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जरूरी नहीं है अगर आपका कोई फ्रेंड फोटोग्राफर है उसको कैमरा के बारे में अच्छे से पता हो, तो आपको कैमरा लेना पड़ेगा और आधा घंटा 45 मिनट्स, इतना काफी होता है एक कैमरा को टेस्ट करने में। आपको एक बेसिक फंक्शनैलिटीज जो फोटो और वीडियो का देखना पड़ेगा, ऑटो फोकस ठीक से हो रहा है ये देखना पड़ेगा। मूवी मोड में अगर उस पर्टिकुलर मॉडल में कंटिन्यूस ऑटो फोकस है तो वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। कभी कभी उस कैमरा का जो ओनर है, जो करंट ओनर है, वो सिर्फ फोटोग्राफी करता है और वीडियो नहीं करता है, उसने शायद माइक्रोफोन पोर्ट, हेडफोन पोर्ट कुछ नहीं यूज किया होगा। सो यू हैव टू टेस्ट ऑल दैट। ऐसे काफी सारे कैमरास है जिनमें नए मेमोरी कार्ड्स कंपेयर
कंपैटिबल नहीं है, आपको उसमें डाल के ट्राई करना पड़ेगा। फर्मवेयर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत रेयर है, लेकिन कभी कभी आप खुद से जब फर्मवेयर अपडेट करना चाहोगे तो हो सकता है कि आपका जो कैमरा है वो डैमेज हो जाए, इसीलिए या फिर उसको एक प्रोफेशनल से करवाओ या फिर आप ओनर को अपडेट करके देने बोलो। तो बेसिकली आपको ये पता चल गया कि अगर आप सिटी में हैं देन इट्स अ ग्रेट आइडिया टू गो टू द सर्विस सेंटर, अगर आप स्मॉल टाउन में हैं या विलेजेस में हैं देन एटलीस्ट यू शुड टेक हाफ एन आवर और 45 मिनट्स एक बेसिक टेस्ट करके उसके बाद ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब भी आप एक यूज्ड कैमरा लेने के बारे में सोचते हो तो एक चीज ध्यान में रखना, आपको बहुत पुराना कैमरा भी नहीं लेना है और बहुत रिसेंट कैमरा भी नहीं लेना है। ऐसे नहीं कि आपको लेना ही नहीं है, लेकिन अगर मैं होता तो इन दो कॉम्बिनेशन में मैं यूज्ड कैमरास नहीं लेता। द रीजन इज अगर बहुत पुराने कैमरास है तो नए टेक्नोलॉजीज फीचर्स उनमें नहीं होगा। आज अगर मैं कोई नया कैमरा लेने के बारे में सोचूंगा कि फिर कोई यूज्ड कैमरा भी लूंगा, उसमें ऑब्वियसली ड्यूअल पिक्सल ऑटोफोकस होना चाहिए, आई ट्रैकिंग होना चाहिए, फेस ट्रैकिंग होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली ऑटोफोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो का क्वालिटी एक्सपोजर इंप्रूव करने का काम वो मैं संभाल लूंगा, लेकिन कैमरा जो अपने हिसाब से काम करता है, जो ऑटोफोकस है, वो अपना काम परफेक्ट करे। नए कैमरास में ये सब टेक्नोलॉजीज इंक्लूडेड है, लेकिन अगर लेटेस्ट मॉडल है और अगर यूजर ने बहुत रिसेंटली खरीदा है तो यूजुअली सेलर का एक माइंडसेट होता है, मैंने तो इसको यूज ही नहीं किया, ये बिल्कुल नया कैमरा है, 10-15 हजार कम करके दे देते हैं। अगर 30-40 thousand में 10,000 कम हो रहा है इट्स ए गुड डील, लेकिन 1-1.5 lakh 2 lakhs में अगर कोई 10-15 thousand कम करके दे रहा है ये बोल के कि वो जस्ट बाय किया हो, नया कैमरा है वगैरह वगैरह, देन आई डोंट थिंक इट्स वर्थ। आपको यूज्ड कैमरा की रिस्क लेने से अच्छा आप एक नया कैमरा ले लो। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, ऐसे नहीं हो सकता है कि कैमरा पूरा परफेक्ट हो, कैमरा में हो सकता है कि छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम्स हो। अगर वो प्रॉब्लम आपका जो डेली यूज है उस फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट नहीं करेगा देन यू कैन कॉम्प्रोमाइज विद दैट। एक्सेप्ट करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करो बट यू कैन यूज इट फॉर बार्गेनिंग। एक और हो सकता है, सेलर के पास बॉक्स नहीं है, मैनुअल नहीं है, बिल नहीं है तो प्रॉब्लम है, ये बड़ा बार्गेनिंग पॉइंट है और आप रिस्क भी ले रहे हो। लेकिन अगर बॉक्स और मैनुअल उसके पास नहीं है टेक्निकली वो उतना बड़ा रिस्क नहीं है, सो इट्स अप टू यू, यू कैन मेक इट एज अ बार्गेनिंग पॉइंट। वैसे आपके लिए कोई उतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है वो, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन LCD में एक छोटा सा स्क्रैच है, ये सब एक बार्गेनिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से कैमरा को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कैमरा सेल कर रहा है, हो सकता है कि उस कैमरा में कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि द फोटोग्राफर इज प्लानिंग टू बाई ए न्यू कैमरा, रीजन्स बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा आपको पूरा एंटायर किट दे रहा है, उसमें ट्राइपॉड है, लेंसेस है, मेमोरी कार्ड, रिमोट शटर वगैरह वगैरह, दिस कैन बी ए गुड बाय फॉर यू, क्योंकि एक कैमरा डैमेज होने की वजह से कोई एंटायर अपना किट देता नहीं है, वो एंटायर किट ही अपग्रेड कर रहा है या फिर वो प्रोफेशन ही छोड़ रहा है, इसमें कोई एक पर्टिकुलर एक्सेसरी का डैमेज होने का चांस बहुत कम रहता है। सो बेसिकली यू हैव टू एडवांटेज, एक रिस्क कम है, दूसरा अगर आपके पास कैमरा का कोई इक्विपमेंट नहीं है, एक पूरा बंडल, एक पूरा किट आपको एक अच्छा वैल्यू में मिल सकता है। अगर आप सेकेंड हैंड लेंस ले रहे हो तो ऑब्वियसली आप इधर साइड उसको देखेंगे, यू विल मेक श्योर इफ द ग्लास इज गुड, आप उसको एक बार कैमरा में अटैच करके भी देखेंगे एंड यू विल ट्राई टू क्लिक एंड मेक श्योर इफ द ग्लास इज गुड। लेकिन कभी कभी आपको मोल्ड्स के बारे में पता नहीं चलता, मतलब कभी कभी लेंस में फंगस अटैक हो जाता है मॉइस्चर की वजह से, और ये क्यों होता है, ये एनवायरमेंट की वजह से भी हो सकता है या फिर बहुत सालों तक एक पर्टिकुलर लेंस अगर यूज ही नहीं है ये तब भी हो सकता है। तो क्या हम कहीं पे इसको दे के फंगस निकलवा सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उसका एक चार्जेस होता है और ये बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। अगर थोड़ा सा भी वहाँ पे रह गया, अगर 100% वो क्लीन नहीं हुआ तो फंगस फिर इंक्रीज होने का चांस भी होता है। तो यू शुड कीप दिस इन माइंड, अगर आपको खरीदना भी है ओनली डू इट इफ यू आर गेटिंग ए ग्रेट डील ऑन दैट लेंस। आपने ये भी सोचा होगा सेकेंड हैंड कैमरा खरीदने के बाद उसको वापस देने का एक ऑप्शन भी होता तो कितना अच्छा होता। एक इंडिविजुअल से आप खरीदोगे तो इसका चांस बहुत कम है, क्योंकि आपको भी डाउट हो सकता है कि पहले से ही वो प्रॉब्लम हो, उसका प्रीवियस ओनर को भी ये डाउट हो सकता है कि बाद में प्रॉब्लम आया हो, इसकी वजह से वापस उस कैमरा देके पैसे लेने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन रिटर्न पॉलिसीज कुछ जगह पे होता है, ऑनलाइन में Amazon और काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट्स है जहाँ पे यूज्ड और रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स को वापस बेचा जाता है। उतना बड़ा डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है। यू कैन बाय इट, आप चेक कर लो, आप चाहिए तो उसको सर्विस सेंटर लेके जाओ और एक थरो टेस्टिंग कर लो, उसके बाद आपको लगा कि ये कैमरा वर्थ है तो रखो, नहीं तो आप वापस कर दो। और काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं रिफर्बिश्ड जिसमें कंपनी का वारंटी भी इंक्लूड होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको कोई कैमरा अच्छा लगा लेकिन
उस कैमरा को लेने का बजट आपके पास अगर नहीं है, और अगर कोई ऐसे बंदा है जो उसको बेचने वाला है, या फिर कहीं पे आपने रिफर्बिश्ड मॉडल देख लिया, यहाँ पे उस कैमरा को खरीदने का एक सेंस बनता है। कहीं पे एक कोई कैमरा सस्ता मिल रहा है, इसीलिए कैमरा खरीदने की जरूरत नहीं है। ये फिर वैसे ही हो जाएगा जो हम शॉप्स में जाते हैं और क्योंकि डिस्काउंट है हम लेके आते हैं एंड देन उसको यूज ही नहीं होता। सो इफ यू नीड इट एंड इफ यू आर गेटिंग इट फॉर अ गुड वैल्यू, देन बाय इट। ओनली बिकॉज यू आर गेटिंग इट फॉर अ गुड वैल्यू, इवन दो यू डोंट नीड दैट कैमरा, उसको खरीदने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लेट मी नो बाय हिटिंग दैट थम्स अप। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।